बड़ा सा डब्लू सुना था, लेकिन हमारे पास तो ये बड़ा सा जेड आ गया। इसके अंदर है असली माल। गाइस ये आइको का इनवाइट है। यहाँ पे भी ओ लिखा हुआ है। स्मेल बहुत अच्छी है भाई इसकी। यहाँ पे क्या है, ये स्ले कॉफी। ओ भाई इसके अंदर तो बहुत सारे कॉफी है। ये पैकेट तो 10-10 रुपए के बिक जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। बिजनेस। ओ हो। ये है आइको का न्यू स्मार्टफोन आइको Z7 5G। इसके स्पेक्स बहुत ही तगड़े हैं यार। ओ आईएस कैमरा, 90Hz एमोलेड डिस्प्ले, न्यू फास्ट प्रोसेसर, बिग बैटरी, फास्ट चार्जर, और ये सारी चीजें गेस करो कितने में? करो गेस करो, सिर्फ अंडर 20,000 रुपीज में। फिर इसको टेस्ट करना तो बनता है ना आइको फैंस। जानता हाँ, नहीं जाता। ओहो, ये रहा फोन। पता है जिंदगी का असली सुकून किसमें? ये फोन को ऐसे खोला और उस फोन को फील करना, ये अलग ही सुकून है। वाव यार, देखने में तो मस्त लग रहा है ये पीछे से बॉक्स में। और ये क्या है, रक्षा कवर। इसको ऐसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं भाई, फिर भी सीधा हो जाता है। लगता है हम जैसे लड़कों की तरह ये सीधा है। ओहो, ये किताब है, ये वैसे हवा खाने के ही काम आता है। और ये वीवो का फास्ट चार्जर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइको वीवो, बाय बाय। ये यंत्र और ये टाइप सी, और ये लेंथ भी लंबी है इसकी, मजबूत है देखो। सो ये है आइको Z7 5G। बैक से देखने में मस्त लगता है क्योंकि जो फ्रेम है वो फ्लैट है। ये जो बैक है तो पॉलीकार्बोनेट, बट ये मैट फिनिश के साथ आता है, इसमें फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं आते हैं। भाई देखने में प्यारा लगता है फोन, देखने में बहुत ही पतला फील होता है। 7.8mm की थिकनेस है। चलो एक बार देखते हैं। 173 ग्राम, और लाइट वेट भी है। इनहैंड फील फोन की मुझे अच्छी लगी, हाथ पे अच्छा फील देता है अगर आप हाथ पे पकड़ते हो उसे। फ्लैट फ्रेम में तो ग्रिप अच्छी मिलती है, फोन कंफर्टेबल लगता है, लाइट वेट भी है। बैक से देखने पे फोन प्रीमियम नजर आता है। इसमें आइको ने ब्राइटेस्ट एमोलेड डिस्प्ले यूज किया है 1300 nits का, और ये सेगमेंट फर्स्ट है। इस सेगमेंट में आपको इतना ब्राइटेस्ट डिस्प्ले नहीं मिलेगा। ब्राइटनेस चेक करते हैं, ये देखो 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है। तो ये देखो भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। ये देखो ये 50% पे है, और मैं इसे 100% करता हूँ। ये देखो ये, ओ भाई ये तो सही में बहुत ही ब्राइट है यार ये। और ये एक AMOLED डिस्प्ले है, FHD+ 6.38 inch है। यस, ये एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। यहाँ पर आइको सेंटर या फिर साइड कंट्रोल यूज करता भाई, मजा आ जाता। बट भाई एक चीज कहना चाहूंगा, डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी आइको ने। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी इज सो गुड, विविड कलर आपको मिलते हैं। ये देखो डीप ब्लैक है, वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं। ओके, यूट्यूब पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो 2160p पे वीडियो देख सकते हो भाई। और भाई देखने में कलर्स तो बड़े मस्त मिल रहे हैं। ओके, इसके बेजल्स पे अगर आप एक नजर ऊपर की साइड में देखो, और ये जो साइड बेजल्स है ये बराबर कर रखा है, तो इतना ज्यादा नोटिस नहीं होता। एक बार इसके विंग एंगल चेक कर लेते हैं। ओ भाई देखो, सामने से ऐसा दिखाई देता है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और अगर हम साइड व्यू देखें, ये देखो इस साइड से एकदम क्लियर है। अगर हम नीचे से देखें, ये देखो यहाँ से भी क्लियर नजर आते हैं। इवन देखो राइट साइड से भी क्लियर व्यू है। ये देखो ऊपर से भी आपको एकदम क्लियर, आप कहीं से भी देख सकते हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे। आपको देखने में मजा चाहिए, वो मजा डेफिनेटली इसमें आएगा। 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है। ये HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्मार्ट है, 60 हर्ट्ज है, 90 हर्ट्ज है। तो स्क्रीन में आपको वो स्मूथनेस फील होती है 90 हर्ट्ज पे। एक बार यूट्यूब पे टेस्ट कर लेते हैं, देखो स्मूथनेस है यार डिस्प्ले में। इसमें शॉर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन है। चलो एक बार ऐसे गिराते हैं। ओ भाई बहुत खतरनाक था यार। चलो कुछ नहीं हुआ। फ्रंट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है भाई, फास्ट है ये देखो, मैं तो टच करते ही अनलॉक हो जाता है। नीचे ये स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, टाइप सी पोर्ट है, गड्ढा है, ये हुई ना बात। भाई दिल को ना सुकून मिल जाता गड्ढा देख के। 3.5mm जैक है, और यहाँ पर ये माइक्रोफोन। राइट हैंड साइड में आपको ये वॉल्यूम बटन और ये पावर बटन है। ऊपर ये नॉइस कैंसिलेशन, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। सिंगल स्पीकर है, टेस्ट कर लेते फिर भी। गाने में इतनी पावर है, मतलब गाना सुनते ही अपने आप। भाई सिंगल स्पीकर है, बट स्टिल जो स्पीकर है वो बहुत ही लाउड है, मतलब रिंगटोन में कोई इशू नहीं आएगा। कहाँ सुन के एनर्जी आ जाती है। आपकी भी एनर्जी आ गई तो वो लाइक बटन दिख रहा है, उसको दबाने में क्यों आलस कर रहे हो, उससे दबा दो। ओके, बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा है। ये 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, और ये सेगमेंट फर्स्ट है। मतलब अंडर 20,000 रुपीस वाले स्मार्टफोन में आपको कहीं भी OIS कैमरा नहीं मिलेगा। और एक ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसका जो फ्रंट है वो 16 मेगापिक्सल का है। आओ कैमरा टेस्ट करते हैं। हेलो आयरन मैन भैया, आयरन मैन की फोटो लेते हैं। ये एक हो गया, और एक ये। ओके, ये मेन कैमरे से। ओहो भाई डिटेल्स तो मस्त है, देखो कलर्स भी अच्छे दिए हैं। ओवरऑल फोटो में कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिख जाता है। एक इनकी भी ले लेते, वरना नाराज हो जाएंगे इनकी क्यों नहीं ली। पोर्ट्रेट तो बड़ा ही प्यारा दिख रहा है यार। ओए होए 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 होए, क्या मस्त पोर्ट्रेट फोटो आई है यार। ये देखो नॉर्मल था ये,
और ये पोर्ट्रेट देखो, कोई ओवर सैचुरेटेड नहीं है, ओवर शार्पनिंग नहीं है, ये देखो सिर्फ इनके ही क्यों ले, अपनी भी ले लेते हैं। और एक ये देखो, ये मेरी फोटो, और यहाँ पे देखो भाई स्किन टोन आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से बहुत ही प्यारा दिया है। ये देखो टी शर्ट का कलर भी यहाँ पे नेचुरल रखा है, इवन यहाँ पे जो चीजें हैं उसको भी अच्छे से फोकस किया, उसमें भी इनफ डिटेल दी है। बैकग्राउंड में जो कलर है ये देखो उसे भी अच्छा दिया है। और एक तो ये आउटडोर लाइटिंग कंडीशन की फोटो, और ये देखो आउटडोर में स्किन टोन क्या प्यारा दिया है। यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है। और एक ये देखो पोर्ट्रेट मोड से, और पोर्ट्रेट मोड में अगर हम एज डिटेक्शन चेक करें, ये देखो ये रहा साइड में, तो एज डिटेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। और एक और चीज भाई, लो लाइट कंडीशन में मैंने इससे फोटोज लिए, और जो फोटोज निकल के आते हैं दे आर रियली गुड। और ये सोनी की वजह से जो नॉइज है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, और लो लाइट में भी आपको एक काफी ब्राइट और शार्प फोटोज मिलते हैं। एक सेल्फी भी टेस्ट कर लेते हैं यार। ओहो, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, सब दिखा दे रहा भाई। एक फोटो ऐसे लेते हैं, स्किन टोन प्यारा है। एक चीज अच्छी लगी कि भाई कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं लगता, सॉफ्ट स्किन टोन आपको नहीं मिलते हैं, और टी शर्ट का कलर भी अच्छा है। ये देखो एजिस भाई बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट कर लेता है। डिटेल्स अगर देखते हो इनफ है। ये देखो सफेद बाल दिखा दे रहा है, बुढ़ापा आ गया भाई साहब। बेकार है यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और जितना भी मैंने कैमरे को टेस्ट किया फर्स्ट इंप्रेशन में, पर्सनली कैमरा पसंद आया। कैमरा फीचर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो आपको नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट फोटोज, वीडियोस ऑप्शन, और वीडियो ऑप्शन में देखो अगर आप जाते हो 4K रिकॉर्डिंग है, 4K 30fps पे, और 1080p 60fps पे आप सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइव फोटो, प्रो मोड, डबल एक्सपोजर, पैनो, टाइम लैप्स, 64 मेगापिक्सल स्लो मोशन, व्लॉग मोड है, डुअल व्यू है, और फ्रंट से भाई आप 1080p 30fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G चिप यूज किया है। आईको जनरली परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, और वो परफॉर्मेंस को आईको ने मेंटेन किया है। थर्मल बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल है भाई, एंड्रॉइड स्कोर 475,000 प्लस निकल के आया है, बहुत ही अच्छा स्कोर है भाई अंडर 20,000 वाले स्मार्टफोन के लिए। लाइक इस स्कोर में आप गेमिंग कर सकते हो अच्छी खासी, में आपको कोई इशू नहीं आएगा। आए, इतनी कितनी बेताबी। तो आओ यारो खेलते हैं फोन में गेम। ओपन करते, ओहो अल्ट्रा गेम मोड भी है। ये देखो यहाँ पे बैलेंस, और ये मॉन्स्टर मोड भी है ग्राफिक्स पे जाके। ये देखो स्मूथ बैलेंस HD HDR भी है, अल्ट्रा HD नहीं है बट HDR और अल्ट्रा ऑप्शन है, स्मूथ पे एक्सट्रीम है। अब भी मजा आएगा भाई, स्मूथ ग्राफिक्स है ये देखो। ओहो, अरे मेरे को चक्कर आ रहे क्यों, ये देखो भाई अगर ग्राफिक्स की बात करूँ तो देख दो स्मूथ एक्सट्रीम पे एकदम मक्खन गेम चल रहा है, स्मूथ गेम प्ले है, ऐसा कोई लैग नहीं नोटिस हो रहा अभी तक तो, कोई फ्रेम ड्रॉप भी नहीं है, एकदम मस्त गेम चल रहा है। इससे फेरे ले लेंगे, चलो शादी हो जाएगी। एक सेकेंड, बढ़िया लड़का निकला तो फोन गर्म भी नहीं हो रहा, ऐसा कोई हीट भी फील नहीं हो रहा, थर्मल बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल है भाई। इस फोन में गेमिंग मस्त है अगर हम प्राइस को कंसीडर करें, काफी अच्छी तरीके से आईको ने चिप को ऑप्टिमाइज किया फॉर गेमिंग, और आप पबजी न्यू स्टेट में आप 90fps पे भी इस फोन में गेमिंग कर सकते हो। इसमें 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज, ये देखो एक्सटेंडेड रैम भी है वो भी अप टू 8GB। मल्टीटास्किंग देखते हैं कैसा है, मल्टीटास्किंग टेस्ट करते हैं एक बार। ये मैंने सारे ऐप्स क्लोज कर दिए। ओके तो सबसे पहले हम खोलते हैं प्ले स्टोर, फास्ट ओपन हो रहा है ये देखो, फिर एल्बम खोलते हैं ये भी फास्ट है, क्रोम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये भी फास्ट है, गूगल असिस्टेंट ये भी ओपन हो रहा है फास्ट तरीके से, कैमरा ओपन करते हैं ये देखो ये भी फास्ट ओपन हो रहा है, ये कॉल डायलर, मल्टीटास्किंग प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी तरीके से ऐप्स लोड हो जाते हैं। स्टोरेज टेस्ट करके देखा, इसमें UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, और देखो रीड राइट जो स्पीड है वो अच्छी है ये देखो। और ये देखो भाई मल्टी टच है, 8 मल्टी टच है, मतलब आप हारमोनियम बजा सकते हो। 4500 mAh की बैटरी है, और ये है वो चार्जर जो आपको बॉक्स में ही मिलता है, और ये चार्जर फोन को 25 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा। फन टच OS 13 है, एंड्रॉइड 13 पे लेटेस्ट एंड्रॉइड है। ब्लॉटवेयर की बात करें तो यस आप कुछ ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं, जैसे कि ये मौज वैसे अनइंस्टॉल हो जाते हैं इजीली, जितने भी ब्लॉटवेयर है स्नैपचैट पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं तेरी। ओके तो हॉट एप्स और हॉट गेम्स भी है, ओके ये तो बच्चों वाले गेम है। और हॉट ऐप्स चेक करते हैं तो यहाँ पे भी पेटीएम, UPI, व्हाट्सअप, ओके जो पॉपुलर ऐप्स है वो बेसिकली वो दिखा रहा है। इस फोन के साथ आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो पूरे इंडिया में इनके 650 प्लस सर्विस सेंटर है। इस फोन की MRP 18999 है, ऑफर लगा के, बैंक ऑफर लगा के जो नेट इफेक्टिव प्राइस आएगी वो हो जाएगी 17499। ये फोन Amazon स्पेशल है और 21 मार्च को ये सेल पे जाएगा दोपहर के 1 बजे। ओवरऑल फोन कैसा है भाई, इसके जो प्राइस है नेट इफेक्टिव प्राइस 17499, इस प्राइस
पॉइंट पे, इवन अंडर 20K में ये जो स्मार्टफोन है जैसे कि OIS कैमरा इस प्राइस पॉइंट पे भाई कोई नहीं दे रहा। परफॉर्मेंस है डायमेंसिटी 920 5G, ये भी काफी पावरफुल है। डिस्प्ले क्वालिटी में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, बस एक छोटी सी चीज है कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, यहाँ पंच होल होता तो मजा आ जाता, बट स्टिल 1300 निट्स और AMOLED की वजह से डिस्प्ले देखने में काफी ब्राइट लगता है और अच्छा भी लगता है। बिग बैटरी है, फास्ट चार्जर है, स्लिम है, लाइट वेट है। एक फोन में एक यूजर को जो चीज चाहिए होती है वो सारी चीज यहाँ पर आईकू ने इस फोन में दी है। सच बताओ तो ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट फोन जैसा लगता है। सो अगर आप वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ओके हो, डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे इट्स अ वेरी गुड एंड वैल्यू फॉर मनी फोन। अब आप लोग नीचे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। जाते 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 लाइक जरूर करना यार, फैला देना वीडियो को। मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।